एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। अब गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और अपने लिए मदद मांगी तो उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतज़ाम हो गया। उनके पास खूब सारा धन था और इतने सारे धन को देखकर उस घर के मालिक के मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन दोनों यात्रियों को खाना खिलाया और अपने बेटों के कमरे में सुला दिया, क्योंकि उस रात उसके दोनों बेटे घर पर नहीं थे और फिर खुद भी सोने के लिए चला जाता है। अब उसके मन में तो लगातार यही चल रहा था कि कैसे इन दोनों यात्रियों का धन हड़प लिया जाए। तो उसने सोचा कि अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो ये सारा धन उसका हो सकता है। ये सोचकर उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा कि मेरे बेटों के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मार कर ठिकाने लगा दो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूँगा। वो लोग भी धन के बड़े लालची थे, जिसके कारण वो लोग उस मकान मालिक की बात मानने को एकदम तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर पर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को घर के गेस्ट रूम में सुला दिया और खुद जो है उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो जाते हैं। अब आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसते हैं और उन्होंने पलंग पर उन दोनों व्यक्तियों को सोते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये वही दोनों यात्री हैं और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। साथ ही मकान मालिक को भी बता दिया कि आपका काम हो गया है, जिसे सुनकर मकान मालिक बहुत प्रसन्न हो जाता है और बेसब्री से सुबह का इंतज़ार करने लगता है। जब सुबह हो गई तो ये दोनों यात्री उठे और मकान मालिक के सामने पहुंच गए और वहां से चलने के लिए विदा मांगी। अब वह मकान मालिक उन दोनों यात्रियों को जीवित देखकर एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि अगर ये दोनों जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किसको मारा। फिर उसे पता चला कि उसके दोनों बेटे रात को घर पर वापस आ गए थे और उन यात्रियों की जगह उसके अपने बेटे मारे गए, तो उसे अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ और अपने कर्मफल का एहसास हुआ। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का ज़रूर बुरा होता है। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है तो उसकी ज़िंदगी में भी वही बुराई लौट कर आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है तो उसकी ज़िंदगी में वह अच्छाई ज़रूर लौट कर आती है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका राज। धन्यवाद।